1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। तेल और खाने पीने के कई सामान की पैकिंग में कंपनियों को पहले से भी ज्यादा वचन की कानूनी तौर पर छूट मिल गई है। इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का नया ऑर्डर 1 मई से लागू हो गया। हालांकि उपभोक्ता संगठनों का आरोप है कि ऑर्डर पूरी तरह से आम लोगों के खिलाफ है। 10 किलो के खाने के डिब्बा बंद तेल में 150 ग्राम तक वजन कम निकले तो भी आप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स पैकेज डी रूल्स में फेर बदल कर एरर मार्जिन की सीमा बढ़ा दी है। नियमों में बदलाव के पीछे सरकार की दलील ये है कि मौसम की वजह से सामान लाने और ले जाने में कुछ हद तक वजन में नुकसान होता ही है। इन बदलाव से कंपनियां तो खुश हैं, लेकिन उपभोक्ता संगठन नहीं। इतना बड़ा फर्क कंज्यूमर के हित में नहीं है। एक आदमी के लिए असर बेशक कम होगा, परंतु सारे समाज पे तो ये कंज्यूमर्स को नेगेटिव असर पड़ा है, और इससे फायदा मैन्युफैक्चरर का है कि वो हर पैकेट में 2-3 ग्राम बचा के वो कई लाख रुपए कमा लेगा, इसकी क्या जरूरत थी। नियमों में बदलाव 22 सामान पर लागू होंगे। इनमें रोजमर्रा के सामान में तेल, घी और वनस्पति के 1 किलो पैक में 10 के बजाय 15 ग्राम तक वजन कम हो सकता है। वहीं आटा, चावल और चीनी के 10 किलो के पैक में एरर मार्जिन दुगना कर दिया गया है, जबकि टूथपेस्ट, साबुन और शेविंग का 100 ग्राम का पैक 4.5 ग्राम तक हल्का हो सकता है। हालांकि ग्राहक के लिए राहत की बात यह है कि वो मौके पर चाहे तो पैकेट तुलवा सकता है। इस तरह की सुविधा तभी मदद करेगी जब तय सीमा से ज्यादा वजन कम हो। अंजुल तोमर, दिल्ली।